तो हर हर महादेव दोस्तों, आज है हमारी डेली ब्लॉगिंग का डे 6 और आज थोड़ा सा लेट उठे भाई, सैटरडे था, छुट्टी थी, पर उसी बीच हमारा एक छोटा सा पोपट हो गया भाई। हमारी एक मतलब पेपर था, एग्ज़ाम था ऑनलाइन, और वो हम हो गया लेट, क्योंकि हम लेट उठे थे तो देखा मैसेज खोल के तो भाई वो निकल चुका था। बट हमारी जो मैम थी उसकी उम्र इतनी अच्छी थी, उन्होंने फिर दोबारा लिंक ओपन कर दिया और हमने फाइनली कर दिया। तो आज आ रही है सुबह से बारिश, कैसी देखिए सुबह से बारिश हो रही है यहाँ पर। तो आज तो पता नहीं यार क्या ही दिन रहेगा, घर पे ही रहेंगे या कहीं जाने का प्लान बनेगा। वैसे अभी हमारे आए हुए हैं जीजू चंडीगढ़ से और भैया आए हुए हैं, तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि कोई प्लान बनाते हैं। सबसे पहले करते हैं कुछ नाश्ता पानी, भूख लग रही है बहुत तेज, तो कुछ नाश्ता पानी करते हैं और फिर आगे का प्लान बनाते हैं कुछ, और फिर कहीं जाने की सोचते हैं, क्योंकि मौसम अच्छा भी है बट बारिश नहीं रुक रही। थोड़ी देर बारिश रुक जाए तो कोई अच्छी सी जगह घुमाएं। चलिए चलते हैं और प्लान बनाते हैं आगे का। तो गाइस जीजू आ चुके हैं और शेव कराने यहाँ पर, सबसे पहले आते ही है फिर क्या प्लान है? पहले शेव, उसके बाद हम लोग जा रहे हैं जैन चौरासी, अच्छा, जो कि भगवान महावीर जी का मंदिर है, वहां पे हम दर्शन करेंगे, थोड़ी देर मेडिटेशन करेंगे और वहां की पॉजिटिविटी को दिखाएंगे, जो वहां की पॉजिटिविटी फील करेंगे, आप तक उसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे और आपको अच्छा लगेगा। सो गाइस, मैं भी सोच रहा हूँ कि शेव भी करा लूं, बाल बाल तो बढ़ ही रहे हैं, शेप भी थोड़ी सी बढ़ रही है, बट चलो कल देखते हैं, अपना तो कल संडे है। सो गाइस डन विद द शेविंग, चलते हैं मंदिर। सो गाइस, ये पौधा देख के मुझे ना अपने बचपन की याद आ गई, क्योंकि इसको हम ना विद्या का पौधा कहते थे बचपन में ना, अपनी कॉपियों में इसको छुपा छुपा के रखते थे। जीजू आपके टाइम पे भी ये चीज होती थी क्या? हमारे टाइम में भी होती थी, तो हमें क्या आ जाता था कि जिस सब्जेक्ट में डर लगता है, जिसमें तुम्हें नंबर कम आते हैं, अगर नंबर ज्यादा चाहिए उसकी कॉपी में इसको रख दो उसमें। सो गाइस, ऐसे मौसम में मंदिर में आना, मंदिर के दर्शन करना, मतलब एक बहुत ही अद्भुत चीज होती है, एक मतलब अंदर से ना सुकून की प्राप्ति होती है। तो जीजू आपका बहुत मन था यहाँ आने का, मेरे को ये पता है, तो ऐसा क्यों कि मतलब आपको ना, जैसे कहते हैं ना, जैन मंदिर का ही क्यों इतना ज्यादा आपको है? नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैन मंदिर, सिर्फ नहीं, मतलब होता है ना कि आप मुझसे कहते हो कि मतलब कहीं भी अगर हमारे मेडिटेशन करना है या पीस, मुझे पीसफुल प्लेसेस ज्यादा पसंद है, और जहाँ पे भीड़ भाड़ होती है जैन मंदिरों में, मुझे वो मंदिर उतने पसंद नहीं आते। अच्छा। और मुझे चाहिए होता है मंदिर में जाके आराम से बैठें, थोड़ी देर आँख बंद करके बैठें, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें, हमारा मन कहाँ कहाँ भाग रहा है, क्या क्या थॉट्स आ रहे हैं उसमें, पास्ट में जा रहा है, फ्यूचर में जा रहा है, तो क्या कर रहा है हमारा मन, तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए हमें एक पीसफुल प्लेस चाहिए होता है, और वो भी एक ऐसा प्लेस जहाँ पे भगवान महावीर ने साधना की हो या उनका आशीर्वाद हो, जहाँ महात्मा बुद्ध का आशीर्वाद हो, तो ऐसी जगहों पे मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि मंदिरों में जाके अक्सर होता क्या है कि मंदिर में मत्था नहीं टेकोगे इससे पहले तो आपको हटा दिया जाता है वहाँ से कि चलो आगे चलो, और वो चीज़ मुझे लगता है कि सही नहीं है। सो गाइस, इस जो भगवान जी की मूर्ति की एक खासियत है कि ना, इस मूर्ति को ना बिल्कुल भी कहीं पे कहीं कोई जोड़ नहीं लगाया हुआ मूर्ति में, जो मूर्ति है बिल्कुल जो कहते हैं ना, पूरे पत्थर को बस काट के और उसको डिज़ाइन देके ही मतलब बनाई हुई है इस मूर्ति को, बिल्कुल भी जोड़ नहीं है कोई इस मूर्ति में, तो ये भी भाई इसकी बहुत बड़ी खासियत है, क्योंकि दिस इज़ वेरी टिपिकल आई गेस, पूरे पत्थर को तराशा गया, इतना बड़ा पत्थर को एक भाई ऐसा लगता है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हमारे साक्षात सामने बैठे हुए हैं महावीर जी, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। सो गाइस, लोकेशन आप लोगों को बता दूं, आप लोग ये दिल्ली आगरा का हाईवे है, आप यहाँ से आएंगे तो ये वाला गेट है, आप इधर से एंट्री कर सकते हैं और आप इधर से अपना सामने बिल्कुल, और आप लोग जब आएंगे ना तो हाईवे पे आप लोगों को मूर्ति दिख ही जाएगी है, और आप लोग यहाँ आके दर्शन कर सकते हैं, मेडिटेशन करिए। अब आपको लेके चलते हैं अंदर के मंदिर में और अंदर के मंदिर के दर्शन कराते हैं। सो गाइस, सबसे बड़ी बात ना, सबसे बड़ी बात जो मुझे इधर दिख रही है ना, वो दिख रही है यहाँ का नेचर आपको, मतलब यहाँ के ना नेचर की इतनी मतलब कहते हैं ना कि प्राप्ति होने वाली है, हर चीज़ नेचुरल, हर चीज़ पेड़ पौधे और फूल नेचुरल, भाई मज़ा आ गया। मैं लिटरली खुद बता रहा हूँ, पर्सनली मैं शायद जीजू के साथ ही मतलब इधर आया हूँ, उससे पहले मैं बहुत टाइम पहले आया था एक बार, तो बड़ा मज़ा आ रहा है भाई यहाँ पे। और एक तो सबसे बड़ी बात, आज के मौसम ने इसको कहते हैं ना चार चांद लगा दिए भाई, सबसे बड़ी चीज़ होती है। जो भगवान बुद्ध जी थे वो सच में मेडिटेशन के प्रतीक थे। एक स्टोरी हमारे टीचर ने सुनाई थी, अगर मैं स्टोरी सुनाऊंगा थोड़ा सा ब्लॉग लंबा हो जाएगा, बट मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। एक बार क्या हुआ था कि एक बंदे ने ना मतलब एक बंदा था, बड़ा एटीट्यूड में रहता था, तो भगवान बुद्ध जी के उसमें गया था वो कि
किसी ने कहा था कि भाई वो जो है वो ही है सब कुछ, तो उसको लगता था कि ऐसा क्यों, ऐसा क्या हो सकता है, उन्हें गुस्सा नहीं आता, कभी गुस्सा नहीं आता। तो उसने कहा कि मैं चलो मैं दिखा, मैं गुस्सा उन्हें दिला के लेके आता हूँ। तो कोई नहीं, वो चला गया उनके पास और जाके बैठ गया वहां जाके उनके आश्रम में। आश्रम में जाके बैठने के बाद थोड़ी देर बाद उसको मतलब बैठा रहा उसने सोचा कि वो होश में आएंगे या मतलब कहते ना कि थोड़ा जगेंगे, बट वो नहीं जगे बहुत देर तक। तो उसने सोचा कि चलो मैं इनको जगाता हूँ, तो उनने उनके ऊपर थूक दिया। ठीक है, थूक दिया तो उन्होंने कहा कि यार मतलब वो उनने अपनी आंखें खोली और उनने अपने मतलब जिस बंदे से जो बंदा आया था उससे यूँ पूछा और कुछ कहना चाहते हो, तो उसने कहा कि अरे आपने ये कर रखा है, आपको सब भगवान मानते हैं, ये है वो है, मैं बड़ा क्रोधित हूँ, आप कुछ नहीं हो, ये नहीं हो वो नहीं हो। पर भगवान महावीर जी को कुछ नहीं गुस्सा आया, उन्होंने फिर से बोला कुछ और कहना चाहते हो, उन्होंने कहा नहीं, वो चला गया। तो फिर जाके सब लोगों में उसने गा दिया कि अरे मैंने तो आज ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया। फिर उसको लोगों ने बताया कि भाई तूने बहुत बड़ा गलत काम कर दिया, तूने उनको क्रोधित कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। तो उसको डर लगने लगा, रात को उसको नींद नहीं आई मतलब प्रॉपर। तो वो डर के मारे उसने सोचा कि अब मैं क्या करूँ। तो उसने एक व्यक्ति को जाके पूछा कि अब मैं क्या करूँ भाई, अब उनको तो मैं कर गया। तो उन्होंने कहा तो उनके पास जा, उनसे माफ़ी मांग, शायद वो तुझे माफ़ कर दें। तो वो अगले दिन फिर गया भाग के, और उसने फिर मतलब जाके थोड़ी देर बैठा रहा, और जाते बैठने के बाद थोड़ी देर बाद ही ना उनके चरणों में चला गया और चरणों में आंसू देने लगा। तो फिर उनकी आँख खुल गई, उन्होंने उससे पूछा और कुछ कहना चाहते हो, तो उसने कहा कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ और ये बोलना चाहता हूँ कि मैंने बहुत बड़ा गलत काम किया, आप क्रोधित हो गए। कह रहे मैं तो क्रोधित नहीं हुआ बिल्कुल भी। तो लास्ट में उसने बोला कि फिर आप क्यों क्रोधित नहीं, और आपने कैसे पहचाना कि मैं क्या कह रहा। उसने कहा कल भी तेरे पास शब्द नहीं थे तो तूने मुझे थूक के बताया, और आज भी तेरे पास शब्द नहीं है और मैं तेरी इस चीज़ को पहचान गया, तू किस लिए आया। तो मतलब उनकी जो शांति का प्रतीक है ना, कि उनने बिना कुछ शब्द के बिना कुछ उससे भी सब कुछ जान लिया कि वो आया क्यों था वहाँ पर। तो गाइस ये एक छोटी सी स्टोरी थी, अब चलिए आप लोगों को दर्शन कराते हैं। वही लोग करते हैं जिनके पास शब्दों की कमी होती है, बिल्कुल, क्योंकि शब्द नहीं होते एक्सप्रेस करने के लिए, तो अल्टीमेटली क्या होता है वो लोग गुस्सा करते हैं। तो अगर आप अपने शब्दों के भंडारण को बढ़ाएंगे अपने मन में तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। गुस्सा एक तरीके का प्रतीक है अपनी भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाने का, लेकिन वो एक नेगेटिव प्रतीक है। तो हमें चाहिए हम शांत रह के अपनी भावनाएं लोगों तक पहुंचाएं और गुस्सा कम से कम करें। गुस्सा कम से कम, देखो इंसान है गुस्सा तो आएगा बट कम से कम करें, कोशिश करें। और गुस्सा भी बहुत कीमती चीज है, इसको ऐसे सब पे वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें बहुत समझ सोच समझ के गुस्सा करना चाहिए। सो गाइस ये देखिए स्नेल और स्नेल के ऊपर का शंख, भाई बचपन से पढ़ा था एस फॉर स्नेल, पढ़ा देखा आज पहली बार है मैंने, सच बोल रहा हूं। इसलिए तो कहते हैं किसकी चाल चलते हो, बिल्कुल स्लो स्लो। गाइस आप लोगों ने जैन मंदिर के दर्शन कर लिए, अब चलते हैं कुछ खाने पीने, और खाने पीने के बाद करेंगे वीडियो को एंड, क्योंकि वीडियो शायद मेरे हिसाब से थोड़ी लंबी हो चुकी है, बट चलते हैं और कुछ खाते पीते हैं और फिर वीडियो को करेंगे एंड। खाना खाने बैठ चुके हैं, और खाने में आज हमारे लिए हमारे यहाँ पे बना है ये आलू की सब्जी, प्याज है और दही, और इसके साथ बनी है क्या कहते हैं आज रोटियां। तो खाते हैं खाने को और वीडियो को ऐड करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करते हुए जाना। मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज़।